और फ्रेंड्स यहाँ पे पता है मेरे ना छोटे भाई है, मतलब कजिन ब्रदर, उसका बर्थडे था 16 फेब को। तो मतलब थोड़ी ओल्ड वीडियो, इतनी भी ओल्ड नहीं है, उस दिन पहले उसका बर्थडे था, बस उसकी केक कटिंग हो रही थी, सब लोग विश कर रहे थे। सोचो चलो ये भी ले लूँ, बिकॉज हम ऊपर वाले पोर्शन पर रहते हैं, वो नीचे वाले पोर्शन पर रहता है। तो यहाँ पे ये बुआ जी हैं जिसको केक खिला रही थी, उसको बड़ा ही अच्छा लगा था। तो इधर ये बर्थडे है और आगे का वीडियो भी है। यहाँ पे देखो 500 का नोट दिखा रहा है कि देखो देखो मेरे को पैसे मिले, और इसके सारे फ्रेंड्स भी आए हैं। और यहाँ पे ना हमारी फेवरेट की डांस प्रैक्टिस चल रही थी, तो उसमें दो कोरियोग्राफर हैं, एक मैं और एक मेरी फ्रेंड, जो बस को कोरियोग्राफ कर रहे थे कि कैसे करना है कैसे नहीं। तो आगे देखिए बहुत मजा आने वाला, सिंगिंग भी है, बहुत मजा आने वाला, देखिए। और यहाँ पे जो सॉन्ग चल रहा है वो मैं नहीं चाहती हूँ कि आप सुने, मतलब इसलिए नहीं कि चाहती हूँ कि मतलब इसलिए भी क्योंकि ना इसके जो सॉन्ग है वो कॉपीराइट में आ सकता है, इस वजह से मैंने बैकग्राउंड साउंड थोड़ा कम कर दिया। आप चाहें तो वहाँ से सुन सकते हैं, ओके। और यहाँ पे ना मतलब ये लोग डांस कर रहे थे, तो मस्ती में आ गए थे ये सब लोग, तो इन लोग डांस कर रहे थे, उस पर कह रहा था ये मोहम्मद रंग वाली डम बड़वा। देखना मैं भी कूद पड़ूंगी बीच में भी। लास्ट तक बहुत मजे किए थे, आप लोग पूरी वीडियो देखिए। एक वारिया।
यहाँ पे ना हम लोग कोचिंग के बाद मतलब लेने आए थे, मतलब मिड कोचिंग में आए थे, कोचिंग के बाद नहीं, मिड कोचिंग में फेबल और मिसेस फेबल का स्लैश लेने आए थे क्योंकि फेबल है तो उसके लिए चाहिए। इस 85 वापस कोचिंग में आके फिर से प्रैक्टिस स्टार्ट हो गई थी हमारी। यहाँ पे सब बच्चे थे, सबको बता था कि मैं ब्लॉग शूट कर रही हूँ, तो सबको तो मैं एक्शन दे रहे थे। सब मेरे क्लासमेट है, यहाँ पे नमन सर बैठे थे, तो यहाँ पे दीक्षा अब गर्ल्स का डांस होगा थोड़ा बहुत, है ना। चलो अब गर्ल्स का डांस देखते हैं, ठीक है। बदाम बदाम उधर कच्चा बदाम। अभी कॉल करो, पहली बार मैं पहचान लगी, भाई मारे को ऑफर हंसती हंसती हाँ कर दीदी, तब तक जब आएगी उसे समय जिसने मुझको टोका है, जिसके लिए छोड़ा है वो रात के 11 बजने जा रहे हैं, 10 मिनट कम 11 हैं, और ये क्या कर रही हो यहाँ पे तुम? भूख लगी है, कल शिवरात्रि है ना, तो खा के सोगी? जैसे मैं फास्ट रखता नहीं, बट तो तुम नहीं रह पाओगी, मतलब क्या खा लेते हैं? फल फ्रूट्स खाते हैं और चाय पी लेते हैं। चाय के साथ कुछ खाओगी नहीं, मतलब ये अन्नपुर का भी कुछ खा सकते हैं, आलू उबला हुआ, हाँ आलू उबला हुआ ये सब कुछ खा सकते हैं। अन्नपुर की नहीं, उसकी, सॉरी किसकी बोल, सिंगाड़े की नहीं, सिंगाड़े की भी खाते हैं उसकी, यार फूटू के आटा की है ना, और ऐसे सब सब चीज खा सकते हैं। और फ्रेंड्स आज आप लोगों ने ब्लॉग तो देख ही लिया होगा, और अब प्लस मेरा आएगा जो फेयरवेल गीला हो गया क्या? हाँ हल्का सा हो गया, मेरे बोलने दो। और अब ब्लॉग आएगा जो मैं मतलब पार्ट टू की तो है, उनकी प्रैक्टिस वीडियो जो प्रैक्टिस हो रही थी, अब जब रियल टीम में हमारा क्या ड्रेस कोड है, हमारा क्या सीन है, पूरा पूरा बफर सिस्टम लगा है, तब आप देखना, बहुत मजे आने वाले हैं मेरी फेयरवेल वाली पार्टी में। डोंट मिस मिस मिस, ओके फ्रेंड्स, गुड नाइट बच्चे, गुड नाइट बच्चे, फाइनली मैंने एक पराठा बेल लिया है। जी मैंने खुद बनाए हैं अपने पराठे अपने हाथ से। ओके ओके, अरे यार अभी आटा लगा है इसमें, अब पापा के लिए रखी, पापा ने बने नहा के लिए। चलो नाश्ता कर, खाना खाने के बाद मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, ओके।